2005 में यहाँ पे बाणी बाग रोड का चल रहा था, चर्चा चल रहा था, उस पर बहुत पैसे यहाँ पे खर्च किया है, मेरे ख्याल से कम से कम करोड़ों में हो गया पैसा खर्च। उसके बाद 2007 में इसकी शुरू हुई यहाँ पे सर, तो उसके बाद यहाँ पे आई थी महबत जी, वो दुकान पर बैठी और उसने कहा कि ये मेरे बाप का ख्वाब है, तो ये मेरे बाप का ख्वाब है, तो मैं इस ख्वाब को इंशाल्लाह जब मैं इक्तदार में आऊँगी इस ख्वाब को पूरा करूँगी। उसके बाद उसने कहा कि हमारा यहाँ पे MLA है, उसको वोट देकर आपका, हम लोग जैसे हमने वोट डाले उसको बहुत जोर खरोच से हमने उसका इस्तकबाल किया और उसको वोट भी डाले हमने सर, तो उसने बांडीपुरा रोड का भी यहाँ से बोला मैं इसको अप्लाई यहीं से करूँगा सर। उसके बाद आज तक उन्होंने यहाँ पे जब वो इक्तदार में मिनिस्टर बन गया उसको दर्दपुरा का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया, इसलिए मैं सरकार से भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये रोड है दर्दपुरा बांडीपुरा रोड है इसको जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। आप दर्दपुरा इलाका भी इस वक्त देख रहे हैं, हमने पिछली बार भी यहाँ एहतजाज किया था पावर के बारे में सर, लेकिन वो सर आप जानते ही हैं कि जो बांडीपुरा रोड का मसला है, बाकी हस्पताल का मसला है, बाकी यहाँ मतलब बैकवर्ड का मसला है सर, सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के लॉ मिनिस्टर साहब को जो इस वक्त इक्तदार में है, जब इक्तदार से पहले वो यहाँ आते थे वो कह रहे थे कि जब मैं मिनिस्टर बनूंगा सबसे पहले आपका एक दिन मिनिस्टर बनूंगा दूसरे दिन आपको बैकवर्ड होगा यहाँ। उसके बाद सर वो देवर में ठुंडसा से लेकर लालपुरा से अभी तक 50 चक्कर कर चुके हैं हज़ारों में, लेकिन वो दर्दपुरा में एक बार भी उन्होंने आने की यहाँ जहमत नहीं की। हम हक साहब से गुजारिश करते हैं कि आप वो दिन याद करें जब घर घर घूम के आप उस वक्त बोल रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके तमाम की ये बात है कि जो बांडीपुरा रोड है सर उसके बारे में बार बार हमें ये कहकर वोट लेते रहे कि आपको बांडीपुरा टू लोलाब रोड हम यहाँ से देंगे, लेकिन अभी तक सर ना उसके लिए सर्वे के लिए आया। हम सुनते हैं कि उसका देवर प्रोजेक्ट बन रहा है, वो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में उसमें खुद वकील है हक साहब, लेकिन अभी क्लियर पता नहीं है। हम हक साहब से यही गुजारिश करते हैं कि एक बार वो दर्दपुरा के अंदर आएँ और हमारे हालत से